अरे सोचना समझना गुटखा और से धोखा हो गया समझ नहीं सकेगा। अरे वो करके मतलब है जगह देख के सूते उठे पर लगते हैं और जगह देख के गुटखा बोले पर लगते हैं। एक काम कर पीछे का मिलने जगह होगा मैं सूते अरे ये रहा था, सोती जावा था। अच्छा ये बता तोर का विचार है? सोना है। ले बता। एला सोना है और मोला जी होना है खुशी होना है कहा था। हाँ। सूते रहे तो घूम बैठ के मैं हंसत रहूं मने मन के नहीं हो जावे। ये 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 हमारा सोना नहीं है। तब जी हमारा जगना है। जगना है रात के भरे अब ये अपन घर बैठ के देखा थे ना ये हमारा संगे संग मेरे रात का भर जगना है सोना रे भूपे। हाँ जी फिकर छक्कर नहीं करो भैया जति जी देखे ला ये हमारे दीदी महतारी मन हमारे जवान साथी मन एम एस से माइक लाल एक आदमी को सूट के बताया अरे कैसा समझा कहा जा करके मैं कहीं बता दी हूँ अब बीच बस्ती मान के वहाँ मार गाड़ी खबर आ बेटा मान लो अभी डंडा कौन लग जा रहा किस तक पर जाती अरे पर जाती इसमें जाना था कोई इंसान से लड़ाई झगड़ा नहीं करना नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करे से संबंध जो बना रही थे बिगड़ जाते बिगड़ जाते जितना बैठ के देखा थे ना ये सब प्रेम के भूखे प्रेम के भूखे मतलब प्रेम से जगाना है ऐसे प्रेम से जगाना है आधा प्रेम का प्रेम से जगाना है तखत काजी आदमी मोला मारगारी खबाड़ा अरे वैसे नहीं कहा थोड़ा प्रेम से गुच्छा ना है दाई महतारी सुनते ये प्रकार बड़ा खुशी की बात है यार काला कथा जी कथा तेला जी हमारे गाँव वाले भैया मन निमंत्रण दिए निमंत्रण करी कौन हाँ रूप राम आओ का की थे अरे तुमन दोनों भाई आ जाते हो का ले बता अरे जैन दिन के नेता तो हेते नीले गांव में आबर कब जाबो अरे राहा तो समय ला दे बेचारे मन सांज मुंदे हाले होजी कहीं बलारिस के यहां बेईमान हमला 12 बजे धरे इतना मन में खुशी लेकिन मजा के मजा आ गई जैसे हमन गांव में आए हमार जवान साथी मन हमार बड़े बुजुर्ग भैया सियान मन हमला बड़ा सुंदर आगमन बड़ा सुंदर संस्कार दिए बड़ा स्वागत करी मजा आगे प्रकाश आनंद आगे संगवारी भिंडी के वो भरता बना रही है बनारिस बना रही है अक्का लंबा लंबा वाले हाँ 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 चार ठन लगा पाँच मेले नंदिया के तेरे कह के बेईमान मैं काला बतावा था खा सचमुच गाँव में आके इतना सुंदर प्रेम मिले है जैन प्रेम जब तक जिंदगी रही कभी नहीं भूल सकता मैं वो प्रेम के बात कर रही बात आए बार तो गाँव में आ गए पर काबर आए संगवारी काबर आएंगे अरे तू धुआरा वाला मन वाले बोले संगवारी पिए खाए बार आए एक अधिक है मोटो झा उपराहत हो तो झिल्ली संग फेंके दो मैं बासी तेल मोला हूं बैग में धर रहा हूं तां सबरे की पी लम मार मार हूं ना तो पिए खा के घुस बिसर जाबे ये ओए हमारे गांव में कोई नहीं पिए खाए वाह वो नाली पार में झिल्ली और डिस्पोजल फेंकाए कौन ये 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 वो डिस्पोजल के चक्कर में नहीं रहना मैं देख से नहीं कर रहा हमारे गांव ला नशा मुक्ति ग्राम बनाना है ऐसे हमारे सियान मन को उद्देश्य मैं नशा पानी खाए पी वाली बात नहीं कहा मैं भाई हम दोनों भाई के किस्मत के किस्मत की बात है बड़ा किस्मत वाला भैया जो आज हम दोनों भाई ला ए गांव में आके बड़ा सुंदर ये चार गंगा के दर्शन किए सही बात है ठंडा के लिए अच्छा जी मेरे हाँ बाबा ललवा जलवा भूलिया देखो ते नरवा पानी बहुत है अच्छा पानी बहुत रहा है लाने बाबा ला ये बड़ा पुण्य के काम करेगा अब अभी देखो नहीं बाबा कुड़ी वहाँ खड़ा है अरे ये वारे वारे कुड़ी का लखो जैया नदिया नरवा दिखाता अपन बाबा कुड़ी का लखो जैया
बिल्कुल नहीं समझा था लेकिन ते जो बात कहा था बड़ा सुंदर गोठे पहले नंबर की गंगा कौन है और नाम के होते गा? समझ गया कैसे भाई मोर मौसी सास के नाम है ये सही बात लग उठाते महातारी हो अरे विष्णु लगी थे नाम रूपी गंगा और दूसरे नंबर की गंगा वो हरि प्रकाश हाँ। जब हम सवेरे सवेरे सो के उठते उठन अरे वो नदियां नरों में नहा धो कर ये नदियों में बहा लेते पानी 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 ओला जल रूपी गंगा करते अब कच्ची वो खोदरा में थे ते कौन सा वाले अरे बेईमान अरे वहुला जल रूपी गंगा कथेगा मैंने ओमन मौसी बड़ी भाई बहनी अरे खोदरा मेरा है या डिपरा मेरा है पानी ला जल रूपी गंगा ही कि थे सरे के और तीसरे नंबर की गंगा वो हरे प्रकाश जेल देखे बर आज हम ग्राम साल है टोला चारवा जिला कांकेर से गाँव में आने दोनों आँखी से देखा था ए संत समाज रूपी गंगा के ए प्रकाश यही बात लग बता रहे हो समझ गए अब ते जान गए अब सुना थस मोर भाई ते नहीं जाना थस मैं जाना था सुना थस यही समाज रूपी गंगा के कहना है कैसे भूपेश भैया के हमने कुछ सुनाई की कोशिश करी अच्छा प्रकाश कहती मैं सुना ही बेईमान है चुप पे खड़े है कहा थे मतलब नंबर मोर है तो रहेगा भगवान की स्तुति करे पहले हाथ तो छोड़े ये जरूरी है भाई आंखें बंद करके ध्यान लगाना सही बात कहा थस गा चले कोशिश चल ठीक है संगवारी यहाँ कहीं सुनावे धुन ऐसे मटकते चिरवे दम तो धर अरे जल्दी बता जल्दी गुठिया तो ये बात सुने पर दीदी महातारी मैंने कैसे बिल्कुल देखा हाँ ले अच्छा अच्छा चल कहते हैं मुही चले कबर देख सक भाऊजी तो देखे वो ध्यान बिगड़ जाते थे बता हाँ वो लेकर नहीं देखो कहीं बताओ अच्छा जी लाला लाला ओहो लुल्लू लुल्लू लेकिन बना जानवे तब का करत है स्वर धरत हो का जी कते संसार के कलाकार है इसने स्वर धरते रे अंधरा कंकर की लम शुरू करे याले देखे 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 ते पूरा पुराय चक्कर में रहे बिगाड़ दे मैं बिगाड़ ले कब जी अच्छे का चल तब फिर संग दे तो चल 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 आयो नहीं धनिया वारे 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 कभी कभी कुट कुट ये मार देते वो इससे मोर जीव लाग जाते वो महातारी हो काला बताने कर नाम लेके लेकिन संगवारी के चुपचाप भी धोता और बढ़ जाते देखे तेरे कह के बेईमान सुंदर भगवान कृष्ण का नहीं के पुकार कर थे कहा सो कते मुन्नी के सरोखा पढ़े तो हम मुन्नी बदनाम हुई के चिल्लावत वारे मुन्नील बदनाम करे या ओला बदनाम करे के पहले मोला बदनाम कर दे काला बतावत है अतते समझ नहीं पाए मैं समझ नहीं पाया मैं भगवान कृष्ण और मीरा के बात का बता ए ए ए भगवान श्री कृष्ण सबो जानते बहुत पूजा करते होकर ये मीरा कौन है होकर भक्त होकर दीवानी भगवान श्री कृष्ण के तब जी भक्त हरे इतना सुरता करे बिचारी मीरा अच्छा अच्छा हाँ भगवान के भगवान कृष्ण के ओहो सुरता करत करत छोरो बोरो हो गई ये आंसू हर रोई में अच्छा
अच्छा रोवत रोवत गा। अच्छा जी आओगे घनश्याम। अरे बाप रे मोहे दर्शन होगे घनश्याम। दर्शन के प्यारे प्यासी रे बिसारी कल्पत रे गा। सही लग कहा थूंगा कैसे जी। आयो नहीं घनश्याम ऐसे मेरा कहत कहत मेरा कहत कहत मुन्नी हो गई। ले देख ते हमार नहीं खावे ता मैं हमार खाऊं रे बेईमान। ए ओए सुनत हस ओए ए पिछुड़ान बड़े बड़े बुजुर्ग सियामन बैठे हैं है? ओमन का के थे जानत हस है? अरे जब भी इंसान लग बात करना चाहिए तो अच्छा से गुस्साना चाहिए। अरे कोनो ला दुख मतलब एक आकरो दिल में ठेस मत पहुंचे ऐसे शब्द बोलना चाहिए। अब तोरा बोले चले नहीं आए तो फिर कोई सियान के दिखाए हो रास्ता में चलना चाहिए। बाबा का हाथ ल धर के चलत रहे। हां बाबा मर गए। हां अकल ल धरो। अरे कोई मान बुजुर्ग बताते नहीं बात वो अल्लाह नहीं बोलते बेईमान। रास्ता में चलना है सही रास्ता में। ठीक है चल ठीक चल 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 गंगा मैया की चरण कमल। लेकिन हमारे दीदी महतारी मन हमारे जवान साथी मन सब जानना चाहते हैं कि ते कत्ते वाले गंगा की बात करते हैं। वे तो हमारे छत्तीसगढ़ में विराजमान है ती गंगा की बात करत हूं भैया। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वा वाह संगवारी वाह आज बड़ा सुंदर बात तक करिस गा। अरे जब तब छत्तीसगढ़ की बात याद आते ये मर मन तो खुशी से हरियाणा हरी आने थे का बोल यहां तक संगवारी। छत्तीसगढ़ के पवित्र माटी में वो तक तो बड़े बड़े देवी देवता के बसे रहे ऋषि मुनि के डेरा है। आज यही देवी देवता के कारण हमारे गाँव गाँव में मड़ई मेला मनाथन के त्योहार कथन ये नाना प्रकार के परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के संगवारी। बड़ा किस्मत वाला नहीं जो आज ये छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म ले है। प्रकाश बड़ा किस्मत वाला तो हन ही हन पर देख संगवारी वो इंसान बड़ा सौभाग्यशाली जो छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म ले है। ये सौभाग्य हमारे मिले है लेकिन धरती में आके एक एक क्षण बात पड़ केवल माया मोह में बंधा के लिया। ये माया मोह है काम लगा जाना था भैया। आज हम सब ला हमारे धरती दाई है ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी है अपन कोरा में जगह दे है लेकिन हमारा जिंदगी करत हन ये धरती माता ला भूलते जावत है। आज मौका है भैया। हां हां ये धरती दाई के बखाना कर लेस ए प्रकार सुना था गा। अरे रोज एकर बखान करबो रोज धरती माता के पूजा करबो लेकिन ये धरती माता के कर जला नहीं के पास है ये हमारे जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। प्रकाश सुना था गा काकर साथ में कब का हो जाए तेकर कोई ठिकाना नहीं है। ए आज मैं तोरा यही बात ना बताया बर जाओ सुना था गा। ए प्रकाश धरती माता ए भैया ये धरती में जन्म ले हम कल के दिन में हम दोनों भाई मर मिटे जाबो तो बस यही छत्तीसगढ़ के माटी में और छत्तीसगढ़ के माटी तुल सूत उठ के पापरो मोर छत्तीसगढ़ के माटी तुल सूत उठ के पापरो। अरे हमारी जिंदगी जो है चार दिन के मड़ाई के समान है सुना था गा। फिर अंधेरी रात जिला हर इंसान जानते लेकिन ये सच्चाई बात ला सब भुलाए के कोशिश में लगे रहते प्रकाश ये हमारी जिंदगी केवल चार दिन के मेला के समान है। जैसे मड़ई सवेरे से भरा थे और शाम के पूरे झर थे वैसे हम सब के जिंदगी के अंत होना एक दिन निश्चित है। आज मैं यही सच्चाई रहा तुला बताया का मेला केवल चार दिन के मेला है संगवारी। अब ये दुनिया में जो एक दिन आए है और एक दिन जरूर यही और एक झन आए है एक झन यही ये जिंदगी है चार दिन का मेला जिंदगी ही चार दिन का मेला सबको जाना ही एक जिंदगी है चार दिन का मेला।
जाना है अकेला। जो ये दुनिया में जन्म लेते हैं एक ही झंडे है, और जब ये दुनिया ला छोड़ के भी चले जाही एक ही झंडे ही। ए प्रकार ये जिंदगी है चार दिन का मेला। अरे जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं संगवारी, सबसे सार है तो प्रेम है, जेल प्रेम है वही हर दुनिया में अमर रही। ये जिंदगी है चार दिन का मेला, जिंदगी है चार दिन का मेला, सबको जाना है अकेला, जिंदगी है चार दिन का मेला। कुछ नहीं चले काबर काबर भैया, बॉयलर खाने से गुदू गुदू लगता है।
इसलिए टोटल बात। अरे तो बने की बात है, लेकिन ये माई लोगन है। हाँ हाँ हाँ। सुख से की हिस। अच्छा अच्छा, मोरा आत्मा डोल के बाबू। अरे मतलब तो लालच लग गए। लग गए। आप कैसे कर रहे? एक काम कर। कैसे? कैसे किलो लगा है, कैसे पाव लगा है पूछ के आ। अच्छा, 3-4 किलो नपाते हैं या बेलर दोनों जाकर पार्टी मनाते हैं। राधा स्वामी से लेकिन पूरा हरामी है। अच्छा ये बता, तोला खाए की इच्छा लग गया? तेजा पता करके आ जा। मैं जाए बर चल देते हो भैया। तो का होगे जी? माई लोगन मला देखो। तो का होगे? मोर हाथ गोड़ मन लग 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 लग। अरे ये कहा? अरे कर इलाज है मोर पास। ए हिम्मत करके जा। मगर लोट में कौन से मेडिकल मिलते टानिक है? कहा हिम्मत मोर से मिलते और हम पूछे बता देवे जा। तमें सिरप खोही की? अरे दवाई गोली नहीं कहो रे बेईमान, ते हां दम लगा जावे का। यानी कि पावर पावर पावर। अरे ये लड़का ढंग से बात कर रहे, ऐसे कवर को दूर हट के बात कर। समझदारी नहीं कौन आदमी से बात कर ऐसे? अरे धीरे बोल। चल ठीक, हिसाब से बात कर। मालूम नहीं कौन आदमी से बात कर रहा था। नहीं है भैया, चलते खुद बता देते कौन आदमी है इसका। अरे मैं यहाँ के महिला समिति वाली मन के गुंडा हूँ। अरे वाले मेहमान, ए अभी हमारे गांव के महिला समिति वाले दीदी मन गुंडा बना है। गुंडा इधर देखो दीदी, हो तुम्हारा गुंडा खाला। तो एक काम करते हैं, हां वो तो टोपी वाला डंडा धर ले, अगर रात भर गरीब घर में घूमत थी बेईमान। कैसे? मैं यहाँ जावा था। सेम और 2 मिनट इंतजार कर। हाँ मैं आधा घंटा वहां जावत तो होगा। अच्छा ले जल्दी आवे। ये भाई आई का है मोर भाई, कर ली है मोर भाई। ये भाई आई का है भैया कायगा? ए तुहर एहे के किलो कैसे लगा है? आई का लगत है भैया? तुहर ओकरे किलो कैसे लगा है? जो भी पूछना चाहता है भैया साफ साफ निकोसी आज का। तुहर मछली खुला के किलो कैसे लगा है? आई ते बोलते सरवाली समझे सुनता मैं वही सरवाली न होगा। ते कैसन वाले? अच्छा धनिया बोलते हम सब बीमारी लग गई। एक काम कर, हमारे गांव के सरपंच हमारे वाला स्पीयर है, बोल तब ही मंगवा दे थो कबर उकर फोर से भारी न भौजी। मैं वही सब बात नहीं कहा भैया, मोर धनी मोर पति मोर परमेश्वर परदेश गेला तेला में चिला तो रात निकली होगा। कर लई है गाय तोर छोड़ी। हाँ भैया। तोर पति? हाँ गा। परमेश्वर? हाँ भैया। तोर स्वामी? हाँ गा। तोर घर वाला? आई ताता। एमए से एक को जन नहीं हुआ? आई ये सबको मिला के ना एक जन होतेगा। मतलब तोर घर वाला परदेश के नहीं आई? नहीं आएगा। ओकर उपाय है मोर पास। आई का उपाय बताना का? तोर घर वाला नहीं आए? नहीं आए भैया। ओकर रात ले डायरेक्ट मोला बना ले। आखिर बिना मतलब हमारे ये हरे
अब मैं बात करत हूँ, चिंता मत कर। चिंता का था तुम्हें कहीं चिंता कर रहे हो? ये दीदी अरे काय भैया काय का काय काय कहा था सब आई तो का कहो तो गा दे ये बता मोर संगवारी बिना मतलब के कवर मार दे आज का कर बात ला कर थस्ती हगा ओती देखना ए मोर संगवारी के बात करत हूं आई ये तो ये बेईमान की बात ला कर थस्ती हगा का होवे दीदी मैं आए लग के हो भैया कैसे कि मोर पति परमेश्वर है परदेश के अच्छा अच्छा चला बीच लात भर रात निकले हो कहीं के बड़ा सुंदर की बात है का तू जानता कैसे दीदी ओ रात में मोला बना ले तो का पानी की बात अरे बाप रे वो इसने कह दी वो इसने किसगा वाह रे वाह रे वाह रे ये ना कोनो काम लेके मोर कुप्पुर के मारगारी खवही नहीं बचाए मोला ले देखे अब का कहा थे मैं राम शब्द नहीं बोला हूं भैया कहते अब अभी मोर संगरी मार दे के कहते भरे उल्टा सीधा कहते तभी कुप्पुर ले मोर करवा रहा अभी तो मजा बता था अरे ये उधर पंडरू बुला ये ऐसे बात है बनते बताओ कर हिम्मत कैसे हुई तो रात में मोर हाथ लगाई मारने वाली होते कौन है ये बात कौन भेजी सुमल मारे मोर कौन सियान के पावर बढ़ गए कि फलाना से पंगा लेवे तैयार हो गए हो डोरी लगा डरे जी लगा डरे जी अभी डोरी लगा था तू पढ़ हल्ला गई तो रास्ता तेरे कहे के बेईमान इतना भदा भद मोल मारा था प्रकाश तोला कोई बात ल सोचे भी नहीं सकस ओ बिचारी दुनिया में कति बड़े दुख लेके निकले नहीं हुआ कहा नहीं है पता नहीं है पता नहीं वो कर जो घर वाला है ना वो हर गांव चले गए हमारे भाई जे लो बेचारे हाथ चिल्लात गोहरात निकले है और तोला अपन भाई समझ के कर दुख ल बतावा थे तते ओकर दुख के मजाक उड़ावा था यार वो कहा थे ना मोर घर वाला नहीं आए है तो ओकर हाथ लेते मोला बनाने का भी जी अच्छा वो कज बात ल बोले हो का जी कौन में से गलत बोले है भाई का करो दुख ल हर देवे कति बड़े बात है कैसे से यार हमन नहीं जाने ये काम थे ए दुनिया के दुख हरे फेर रहे तुला लक्ष्मी है मोर भाई वो लक्ष्मी हरेगा समझत नहीं ऐसे परेशान हो गए प्रकाश वत तक बेर के तो लायका क्षण बात ला बतावा थो समझावा थो का मिटका वाला सा ला थो तोला ते लोहा टिपा वाला मैं डैकी लेका वाला हां मैं लोहा टिपा वाला तुमन मोला बने तीन पहचान ले रखो दीदी हो आजकल हम पिकअप में घूमथन पिकअप में माइक लगा के अब चिल्लावत रहते नहीं गली में लोहा टिपा बदल लो ऐसे कहते थे चिल्लात रहूं मामू अब केस के फुगा घर में थूक दे आजकल कन केस लांबे अपन कन फुगा दो तेरे धुलो गलम लगा ले बेचार दे बेसाले तो ये मन फुगा बच्ची ये बना डरे ये तिया कौन प्रकाश कौन तोरा कोई बात की जल्दी समझ नहीं आया मोर भाई हाँ। तेरा जैसा लक्ष्मी माना था ना वैसे ना होगा तब जी अरे तो सुंदर बहु लक्ष्मी है जी हाँ तेरे दो कहा मैं लो वहां गोबर दे वाला हुई या तोला जब तक बात के वरनी ही अपन मुंह बंद करके रख ले तो लो जहन गोट छाड़ रहे थे कि छुट्टा हो Thank you.
Thank you.